अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। किचन विद आपी में आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज हम अपने किचन में बनाएंगे मसालेदार चटपटी हरी मिर्चें। ये बहुत आसानी से बन जाती हैं और बहुत टेस्टी भी बनती हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मसालेदार चटपटी मिर्चें बनाने के लिए हमने 15 टू 20 हरी मिर्चें ली हैं, 2 टेबलस्पून चाट मसाला, 2 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ साबित धनिया और जीरा, और 1 टेबलस्पून लेमन जूस लिया है। ये थे इंग्रेडिएंट्स। एक प्याली में चाट मसाला डालेंगे, मोटा कुटा हुआ साबित धनिया और जीरा और लेमन जूस डालेंगे। और आप चाट मसाले की जगह आमचूर भी यूज कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि चाट मसाले में ऑलरेडी नमक मौजूद होता है, और इसे साइड में रख देंगे। ये हरी मिर्चें हैं जिसे हमने सेंटर से कट कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि हमने हरी मिर्च को किस तरह कट किया है। और अब हम इसमें चटपटा मसाला फिल करेंगे। फ्रेंड्स, हमने हरी मिर्च के बीज नहीं निकाले हैं, और अगर आपको बीज नहीं पसंद तो आप इसे निकाल भी सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हम हरी मिर्च में किस तरह मसाला फिल कर रहे हैं, और इसी तरह हम बाकी हरी मिर्चें भी तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप मुझसे इस रेसिपी के मुतालिक इंस्टाग्राम और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसमें हरी मिर्ची डालेंगे, और फ्लेम को मीडियम लो रखेंगे। हाई फ्लेम पर बनाने से इन पर जल्दी कलर आ जाएगा, लेकिन ये फिर सॉफ्ट नहीं होंगी, इसलिए हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे और 2 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे। 2 मिनट्स बाद हम इसे स्पून की मदद से चलाएंगे ताकि हरी मिर्चें हर साइड से फ्राई हो जाएं। और आप देख सकते हैं कि हरी मिर्चें अब सॉफ्ट हो गई हैं, और अब हम इसे कंटिन्यूसली हिलाते जाएंगे। और ये देखें फ्रेंड्स, अब इनका कलर चेंज हो गया है, और हमें बस इन्हें इतना ही फ्राई करना है। और ये हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। और अब चटपटी मसालेदार हरी मिर्चें बिल्कुल रेडी हैं, और इन्हें अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। और आप इन हरी मिर्चों को डिफरेंट वेजिटेबल के साथ खा सकते हैं, दाल और चावल के साथ तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ किचन विद आपी में। लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल किचन विद आपी को और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को फॉलो करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।